बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजधानी पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं, एक पोस्टर देख रहे हैं जो आरजेडी की तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है, झूठ की टोकरी घोटालों का धंधा। ये पोस्टर और इसके पास एक और पोस्टर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बताएं। कई सवाल नीतीश कुमार से पूछे गए हैं और ये पोस्टर खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने हाथ से लगाई थी। और जो भी प्रवासी आ रहे हैं उन पर जो आरोप लगे थे, उन पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर प्रहार किया था, जिसके बाद पोस्टर वॉर बिहार में शुरू हो गया। और कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था। लालू प्रसाद यादव 73 साल के हो गए। 73 घोटालों का गिफ्ट पोस्टर के माध्यम से जेडीयू ने दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से एक और पोस्टर जारी किया गया है। और आप साफ देख सकते हैं जेडीयू के विपक्ष आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है और इसमें 55 घोटालों का जिक्र किया गया है। आपको ये पोस्टर दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर 73 घोटाले दिखाए गए थे और अब राजद की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें 55 घोटाले दिखाए गए हैं। आपको साफ दिखा सकते हैं जो सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, छात्रवृत्ति घोटाला, धान घोटाला, बांध घोटाला, ग्रामीण बैंक घोटाला, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, महादलित घोटाला, मनरेगा योजना घोटाला, मुख्यमंत्री निक्षय योजना घोटाला, दवा घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला, शिक्षक नियोजन घोटाला, गर्भाशय घोटाला, मेघा घोटाला, स्कूल निर्माण घोटाला, कई घोटाले हैं। आपको बता दें कि ये राजद की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और साथ में ये भी लिखा गया है, आप साफ देख सकते हैं कि 15 साल में 55 घोटाले किए गए हैं और लास्ट में इन 55 घोटालों का जिक्र किया गया है और लास्ट में ये भी कहा गया है कि जनता इसका हिसाब मांग रही है। तो साफ कहना है कि जनता को इन 55 घोटाले का इंसाफ देना होगा। आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है, जेडीयू को इसका जवाब देना होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये पोस्टर वॉर कितने दिनों तक चलता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव का जैसे जैसे आगाज हो रहा है, बिहार में पोस्टरों से एक दूसरे पार्टी पर हमला लगातार किया जा रहा है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ विनीता मिश्रा, पटना।